नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में, टेक्सटाइल स्टॉक में। ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में नॉर्मली काफी ज्यादा मिलता है, फेवरेट स्टॉक है। और ये कंपनी आज अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स पेश करते हुए दिखी है। कैसे रहे हैं नंबर्स, इन नंबर्स के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या यहां से और खरीदारी करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखी है। ऑलमोस्ट एक साल हो गया है साइडवेज टू नेगेटिव। 70 रुपए का हाई लगाने के बाद स्टॉक आपको 35-30 रुपए के समथिंग मिलने लगाया। तो चलिए पहले नंबर्स देखते हैं, उसके बाद स्टॉक के प्राइस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्राइडेंट के क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करूं तो स्टॉक का प्राइस 31.80 पे आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट 32 रुपीज कह लीजिए आप। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी शानदार जंप करता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 37 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ रुपीस पे आता हुआ दिखा है। तो काफी बड़ा जंप है ये प्रॉफिट में कंपनी के। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहां पे आपको डिप देखने को मिलेगी, 211 करोड़ से घटकर 144 करोड़ का आया है। बट लास्ट बेस बहुत हाई था, तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा महत्व तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वहां तो एक काफी शार्प जंप देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। आगे बढ़े रेवेन्यू की बात करें तो 1980 करोड़ से घटकर 1640 करोड़ पे रेवेन्यूज आते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि डिप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां भी जंप है, 1440 करोड़ से बढ़कर 1640 करोड़ पे आय आती हुई दिखी है कंपनी की। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो साल दर साल ये भी घटता हुआ दिखा है, 406 करोड़ के सामने 274 करोड़ का है। एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो 20.51% से घटकर अराउंड आपके लिए 16.72% पे आते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो लगभग 10% से बढ़कर ये मार्जिन आपके लिए 17% पे आए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो। तो नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक जंप दिख रही है, हर एक जगह अच्छा दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है, बट अगर मैं देखूं इसका लास्ट क्वार्टर 37 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी ऑलमोस्ट 144 है। जून क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट था जिसके सामने अभी 144 है। तो काफी बड़ा जंप देखने को मिला है हमें लास्ट प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स ना उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा ट्राइडेंट के बारे में। पहले तो पीयर कंपैरिजन में ये स्टॉक सस्ता नहीं है, अभी भी महंगा ट्रेड करता है। सेकंड थिंग, इस कंपनी की ये मतलब एक नेगेटिव साइड पे था वैल्यूएशन। अब मैं अगर पॉजिटिव बताऊं तो देखिए वॉलमार्ट जो यूएस की वॉलमार्ट है वहां पे क्लियरली बोला था कि डिमांड इस बार भी अभी उतनी खास नहीं पिकअप करती हुई दिखी है, डिमांड में अभी भी थोड़ी सी कमी है। और इस कंपनी का ट्राइडेंट का अराउंड 65-70% रेवेन्यू इंपोर्ट होता है, यानी कि जो यूएस से आता है। तो यूएस से 65-70% का जो रेवेन्यू है वो अभी डिमांड उतनी नहीं है वहां। जैसे आप लोग आईटी स्टॉक्स को अच्छे से जानते हैं कि यूएस में प्रॉब्लम है, यूरोप में प्रॉब्लम है, तो आईटी पे प्रेशर रहेगा। सेम एग्जैक्टली ट्राइडेंट के साथ भी यही कंडीशन है। ट्राइडेंट का भी यूएस में बड़ा कारोबार है और इसी के चलते ये स्टॉक भी आपको प्रेशर में देखने को मिला है। बट मेरे हिसाब से ये नंबर्स कंपनी के पॉजिटिवली ही लेने चाहिए, जिसके पास स्टॉक है उसे तो डेफिनेटली पॉजिटिवली लेने चाहिए। काफी अच्छा सुधार और काफी बड़ा जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो जिसके पास है उसे यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के मौके हैं क्या, तो इसका जवाब मैं कहूंगा अभी नहीं, क्योंकि हमें फंडामेंटली तो अच्छा लगने लगा है लेकिन टेक्निकली अभी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रीवियस लो को ब्रेक करने जा रहा है, कंटिन्यू लोअर लोज एंड हायर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन है। पहले इस फॉर्मेशन पे जब भी रिवर्सल आएगा तो हमें एवरेज और एक्यूमुलेट करना है, बट बेचना नहीं है। फ्रेश एंट्री उसके लिए भी अभी नहीं लेना चाहिए, पहले कहीं पे बेस क्रिएट करने दीजिए, स्टॉक को बॉटम बनाने दीजिए, तब देखेंगे। अभी तो स्टॉक ने आपके लिए अराउंड 23rd दिसंबर को 31.10 का लो लगाया था, ऑलमोस्ट 30.50 रुपए इंट्राडे में लो आके ऊपर स्टॉक आया अराउंड 34-35 रुपए तक, और अभी फिर नीचे जा रहा है। इस बार मुझे लगता है 30.50 का अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर हम इसको एवरेज और फ्रेश एंट्री के लिए ढूंढेंगे, अदरवाइज ये पुराना लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो वही अभी चार्ट पे कंटिन्यूशन है यानी लोअर लोस की, तो फिर हम इसको वेट के रूप में साइड में डाल देंगे, मतलब वॉच लिस्ट में लगा के छोड़ देंगे, बट अभी फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। बट जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 28 का है। अगर पीयर कंपैरिजन करूं मैं इसका तो यहां पे मेरे पास इससे सस्ते काफी सारे स्टॉक्स हैं, लाइक रेमंड है मेरे पास, और एकमात्र रेमंड ही सस्ता दिख रहा है एक्चुअल बताऊं तो। गो फैशन, गारवे टेक, वेल्सपन इंडिया तो काफी इससे महंगे ही है, इससे सस्ते केवल एक रेमंड दिख रहा है आप पीयर कंपैरिजन में प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर मैं आपको बताऊं टीटीएम बेसिस पे जो ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही कमजोर है,
एक से भी नीचे 0.96 के टीटीए अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है और 30 के वैल्यूएशन भी देते हैं तो भी 30 रुपए का होता है ये स्टॉक। इस हिसाब से देखें तो यहाँ भी थोड़ी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दिखती है मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि भाई कैसा इसमें रुझान चल रहा है बड़े लोगों का। प्रमोटर 72.94 एग्जैक्टली सेम बने हुए हैं। FIIs 2.36 हल्का सा कम करा है। DIIs का कोई इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है 22.90। इसमें से कुछ बड़ा नाम है क्या? कोई बड़े नाम इस समय मुझे नहीं दिख रहे हैं एंट्री लेते हुए। तो ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।